दिस इज़ आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है फास्ट मेल्टिंग आइस जो कि ओशन को एसिडिक बना रही है अब आप, आप सोचेंगे कि आइस अगर मेल्ट हो रही है तो ओशन एसिडिक क्यों हो रहा है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ओशिक ओशन का जब पीएच चेंज होता है तो उससे इक्वाटिक इकोसिस्टम जो लाइफ है ओशन में उसको काफ़ी थ्रेट रहता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं पीडीएफ और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए सी गार्डियन ने भी इस न्यूज़ को डिटेल में कवर किया है कि चार गुना ज्यादा एसिडिफाई हो रहा है ओशन और वेरियस अदर्स जर्नल्स में ये चीज़ कवर की गई है लुक एट दिस आर्टिक इज़ नियरली फोर टाइम्स फास्टर देन द ग्लोब वॉम्ड तो आर्टिक जो है आपका बाकी ग्लोब जिस तरह से गर्म हो रहा है आर्टिक सिर्फ चार गुना ज़्यादा गर्म हो रहा है ये टॉपिक्स हमने पहले भी कवर किए हैं अब यहाँ पे दज अ टीम ऑफ रिसर्चर्स जिन्होंने ये जो चेंजिंग केमिस्ट्री है वेस्टर्न रीजन ऑफ आर्टिक तो आर्टिक के भी स्पेसिफिक किस रीजन की बात हो रही है वेस्टर्न रीजन के तो वहाँ पे एसिडिटी लेवल्स जो देखे वो इंक्रीज़ हो रहे हैं थ्री एक्स टू फोर एक्स इंक्रीज़ वो देख रहे हैं बाकी जगह जहाँ ओशन का पानी है वहाँ से कम्पेरेटिवली टीम ने एक यहाँ पे निकाला कि कि इज अ लिंक ये जो आइस मेल्ट हो रही है तेजी से उसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो रही है ये स्टडी इन्होंने एक जर्नल में भी पब्लिश की साइंस करके एक जर्नल है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस इनका जर्नल है साइंस वहां पे ये न्यूज जो है उन्होंने ये जो पूरा रिसर्च है उसको पब्लिश किया और पहला एनालिसिस जो आर्टिक एसिडिफिकेशन का है उसमें डेटा 1994 से 2020 का डेटा जो है वो पूरा लिया गया है तो इस तरह से आप ग्लोब देख सकते हैं आर्टिक रीजन हम आर्टिक रीजन आर्टिक ओशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं वेस्टर्न रीजन की आ, दिस इज़ अगेन द आर्टिक रीजन और यहाँ की बात हो रही है अब आर्टिक रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आर्टिक रीजन अब ओशन के जितने आपके वर्ल्ड ओशन करंट्स है आर्टिक उसको सर्क्यूलेट करने में हेल्प करता है ये इसका सिग्निफिकेंस है कोल्ड वार्म वाटर का मूवमेंट जो रहता है अराउंड द ग्लोब उसको रेगुलेट करता है आर्टिक आइस जो है एक वाइट रिफ्लेक्टर के तौर पे दूसरा तीसरा पॉइंट है ना वाइट रिफ्लेक्टर के तौर पे काम करती है प्लानेट पे काफ़ी सारी सनलाइट जो आती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कूल cool डाउन रहता है और इससे टेम्परेचर ओवरऑल भी आप ग्लोब में देखेंगे आर्टिक के रिफ्लेक्शन की वजह से कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है इवन टेम्परेचर रहता है सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेनिफिट्स दैट आर्टिक रीजन इज गिविंग टू द अर्थ ग्लोब आर्टिक रीजन में आप देखेंगे डिपोजिट्स ऑफ गोल्ड जिप्सम कोल्ड सॉरी एंड डायमंड रिच डिपॉजिट है आर्टिक तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए रिजर्व जिंक लेड प्लेसर गोल्ड और क्वाट्स का एक अच्छा खासा रिजर्व यहाँ पे है सिर्फ ग्रीनलैंड की अगर बात करें वहाँ पे क्वाटर ऑफ वर्ल्ड रेयर अर्थ रिजर्व्स की जो रेयर मेटल्स हैं रेयर एलिमेंट्स हैं उनका रिज़र्व आपको आर्टिक ग्रीन इन एरिया में मिलेगा ऑयल एंड गैस भी बोला जाता है कि अनएक्सप्लोर्ड आर्टिक रीजन में बहुत है अब कंसर्न्स रिलेटेड क्या हैं इन इस चीज़ से कि यहाँ पे 2050 में तक साइंटिस्ट ने ये प्रडिक्ट किया है कि आर्टिक आइस इन दिस रीजन विल नो नो लॉन्गर सर्वाइव कि ख़त्म हो जाएगा यहाँ से आइस और आइस ख़त्म हो जाएगा अगर आर्कटिक रीजन से तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर अर्थ का कितना शूट कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे समर्स बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे वार्म भी हो रहे हैं पहले से ज़्यादा तो एज अ रिजल्ट ओशन का जो केमिस्ट्री है वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा जो, जो अभी एसिडिटी लेवल्स हमको ओशन में मिल रहे हैं वो और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे जिससे वहाँ की जो एक्वाटिक लाइफ है उनको फर्क पड़ेगा उन वो वी विल लूज देम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे सी क्रिएचर्स की सी प्लांट्स की बाकी लिविंग थिंग्स की जो कि हेल्दी ओशन पे डिपेंड करते हैं अगर जो एनिमल्स अडाप्ट नहीं कर पाएंगे वो खत्म हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो की इसकी एग्जाम्पल लीजिए दे लिव इन अ क्रस्टी शेल बिल्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट तो उनकी एक शेल रहती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है वो ओशन वाटर में रहती है तो उसको फर्क पड़ेगा पोलर बियर्स हेल्दी फिश डिपेंड करते हैं जो वो ओशन से खाते हैं अगर वो एक फिश नहीं रहेंगी व्हाट विल पोलर बियर्स ईट तो एक कैस्केड ऑफ इफेक्ट्स आपको दिखेगा कि एक से दूसरे पे दूसरे से तीसरे पे इसका इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि सी फूड वैसे भी एक की एलिमेंट है बहुत सारे ह्यूमन डाइट्स का बहुत से लोगों का रोजगार डाइट्स सी फूड से चलती हैं अब सी वाटर जो होता है नॉर्मली एल्कलाइन होता है और पी वैल्यू आपकी अराउंड एट रहती है अब जो फ़र्स्ट ऑथर हैं इस पब्लिकेशन के देर वॉज अ पब्लिकेशन जिन्होंने चाइनीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी काम किया है उन्होंने ये सब डिटेल में उन्होंने भी देखा पब्लिकेशन जो ये पूरी हुई तो उन्होंने क्या पॉइंट किया सी आइस मेल्ट Again, research, की मैकेनिज्म अगेन एन अदर रिसर्च सेम थिंग कि मैकेनिज्म जो है कि पीएच डिक्रीज हो रहा है सरफेस क्यों डिक्रीज हो रहा है बिकॉज इट चेंजेस सरफेस वाटर इन थ्री प्राइमरी वेज क्योंकि जो सरफेस वाटर है ओशन का जो उसकी टॉप लेयर है वो चेंज हो रही है मेजरली तीन प्राइमरी वेज हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं ये तीन वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनको समझना तो देखिए पहला जो सी आइस के नीचे जहाँ पे सी पूरा आपका सी है उसके ऊपर आइस जमी पड़ी है उसके नीचे जो वाटर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है ठीक है जब आपकी सी आइस मेल्ट हो जाएगी तो जो नीचे का पानी है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो उसको एब्जॉर्ब करेगा इट विल टेक इट अप फ्रीली दैट इज द वन रीज़न ठीक है दूसरा रीजन जब सी वाटर मिक्स होगा जो मेल्ट वाटर है जो आइस का पानी मेल्ट हो रहा है ठीक है और सी वाटर इज़ लिटिल हैवी मेल्ट वाटर इज लाइट दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते डीप वाटर्स जो हैं वहाँ पे ये मिक्स नहीं हो सकते इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस पे है वो कॉन्सेंट्रेट होगी क्योंकि वो एक्सपोज हो रही है और तीसरा जो मेल्ट वाटर है जो सी से पिघला वो कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन जितनी सी वाटर की कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए उसको डाइल्यूट कर रहा है डाइल्यूट कर रहा है तो जो इस सी वाटर की एबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने की किसमें न्यूट्रलाइज अल्टीमेटली आपका जो पीएच वैल्यू है वो गिर रहा है मेजर थ्री रीजंस इन राइट इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने पहले अलग से डिस्कशन भी किया है कि Arctic, Uh, बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है इफ़ वी कंपेयर इट विद अदर रीजन्स ऑन द ग्लोब दिस इज़ हाउ द आइस इज़ मेल्टिंग यू कैन जस्ट सी कि ये किस तरह से यहाँ पे आइस जो पर्मा फ्रॉस्ट फ्रैक्शन आप देख सकते हैं कम होता जा रहा है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हमको आर्टिक पे दिख रही हैं तो so सेम चीज़ यहाँ पर अलग अलग पेपर्स ने अलग अलग पिक्चर्स ने हमको दिखाई है इंडियन एक्सप्रेस ने भी यहाँ पर डाला था मेल्टिंग ग्लेशियर्स डिप्लीटिंग स्नो कवरिंग हिमालयाज़ में भी इनफैक्ट असर हो रहा है यहाँ पर ये Uh, अलग टाइम लैप्स uh, सॉरी टाइम के हिसाब से आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि 1985 में कितना स्नो कवर था 95 में 2000 में देखिए फिर 2005 एंड 2012 में गायब ही हो चुका है तो ये ग्रीनलैंड आइस शीट की बात है तो हमने पहले भी आर्टिक को लेके कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं आप उनको भी देख लेना वार्मिंग ऑफ आर्टिक ओशन जोम्बी आइस सो तो ये टॉपिक मिक्स करके जब आपके नोट्स बनेंगे तो अगर इस पर कोई क्वेश्चन साइंस एंड टेक में आता है या इन्वयरमेंट जोग्राफी में भी आता है तो यू विल भी एबल टू कवर बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं एन अकेडमी में आ, सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत सारे आ, जो टीचर्स हैं एडुकेटर्स हैं उनको ऑप्शन मिलता है बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अगेन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन वीरो सी आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल कोई भी ले सकते हैं स्पेशल सरप्राइज़ आपके लिए है कि अभी आप नाइन मंथ का अगर आप लेना चाहते हैं तो अर्ली बर्ड प्राइज हमारा ट्वेंटी अक्टूबर तक फोर्टी है एंड यू कैन यूज़ द कोड वीरो पी टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर इट सी सैट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र एट नाइन 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 में अब सी सीट ले सकते हैं हमारा लेटेस्ट बैच ट्वेंटी अक्टूबर को शुरू हो रहा है यू कैन जॉइन इट कम्पीट एंड ये कम्पीट आई होप यू आर प्लेइंग द गेम्स एंड देख रहे हैं कि आप किससे कितना जीत पा रहे हैं uh, ये चैम्पियनशिप इज बैक यहाँ पे जो टॉप फाइव रैंकर्स होंगे उनको मौका मिलेगा एक आई ऑफिसर से मिलने का तो दिस इज इट फॉर टुडे एंड अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर भी हमारा चल रहा है जिसकी आज लास्ट डेट है अगेन यू कैन यूज द कोड वीरो कोर्ट इस को लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं 19 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट यहाँ पे जितने भी मंथ्स का आप लेंगे थ्री मंथ्स आपको फ्री रहेगा ये टेस्ट सीरीज भी हमारी शुरू हुई है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगेन यू कैन यूज द कोड वीरो वीरोससी एंड अगर आप ई ले रहे हैं जीरो परसेंट ई पे आपको मिलेगा आपके पॉकेट्स पे भी बर्डन नहीं रहेगा सो लास्ट माइल यू फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं यू कैन एनरोल यहाँ पे आपका डी ए एफ एनालिस ब्यूरो पैनलिस्ट में होंगे टॉप एजुकेटर्स प्रोफेसर और भी काफी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे तो ये सड़सठ टेलीग्राम चैनल वेरानिका अंडर स्कोर यू पी एस सी दिस इज द टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच